वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप विनर सेशन एंट्री खेलते हो किसी भी मैच का, तो जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पे जो है आप जुड़ सकते हो और ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप खेल सकते हो। के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आपका नाम? अब्दुल मालिक। और क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में, एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। और आप क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है जी। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे। खास तौर पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कश्मीर पाकिस्तान के पास भी है, कश्मीर इंडिया के पास भी है। इंडिया साइड कश्मीर के लिए फ्रांस की तरफ से और उनके मीडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर सेफ है, फ्रांस के लोगों को, दुनिया के लोगों को वहाँ पे जाके टूरिज्म के लिए वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे बताएं, पाकिस्तान हम ये 76 साल से रो रहे हैं कि कश्मीर से बड़ी मोहब्बत, कश्मीर जन्नत है और ये है, क्या हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से? रिसेंटली मैं वीडियो देख रहा था कश्मीर की, ठीक है। तो उनके हिसाब से ना, जिस हिसाब पाकिस्तान साइड कश्मीर की या इंडिया के, वहाँ पे जिस हिसाब से टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है उनका तो लेवल ही अलग है। उस हिसाब से पाकिस्तान में टूरिज्म को, कश्मीर में हम जाएं तो इतनी चेक पोस्टें आ जाती हैं पहले से ही, हमें मतलब कि वो अंदेशा दिया जाता है कि भाई आप पाकिस्तान में हैं ही नहीं। और अगर वो चीज़ है जो हम पाकिस्तान से वहाँ पे जाते हैं तो ये फील होता है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। तो उस हिसाब से सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें देखना चाहिए अपने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को, कि भाई वो अपने जो लोग टूरिज्म पे जा रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। दूसरी बात ये कि कभी तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे जो है ना मोस्टली लोग पहुँच नहीं सकते। वो नहीं कर सकते। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो बोला कि मैंने इंडिया साइड कश्मीर की वीडियो देखी, ये पूछेंगे कि वहाँ पे वीडियो में क्या क्या देखा, रोड्स देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, क्या देखा, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम कश्मीर में क्या कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से और वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, वो हमसे ज़्यादा टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं और हम लोग इतना नहीं कर रहे। अब देखा जाए, जैसे भाई ने कश्मीर की बात की है, तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान की, तो देखें हमारे पास गवादर है, कितना खूबसूरत एरिया है, ठीक है, मकरान रोड है जो कि बहुत खूबसूरत है और देखने के काबिल है। इस तरह से हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। अब हमारे फोर्सेस को चाहिए कि जो गवर्नमेंट को चाहिए, फोर्सेस को चाहिए, जितने भी इंतजाम हैं उनको चाहिए कि भी इस चीज़ को प्रमोट करें, इससे काफ़ी बेनिफिट है और मुल्क की मीशत भी इससे बेहतर हो सकती है। कितने लोग आएंगे जो बाहर से हमारे मुल्क में, कितना बेहतर और इमेज बहुत खूबसूरत जाएगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे या ओवरऑल वहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई लक्षद्वीप को लेके जैसे उन्होंने आइलैंड्स हैं वहाँ पे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन और बहुत से लोग। इसके लिए मालदीव्स के 3 मिनिस्टर को जो है वो वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ कि भाई उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। देखें वो लोग कैसे जो है वहाँ पे अपने एरियाज को प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीर तो उन्होंने कर दिया ऑलमोस्ट, अब इसके अलावा और बहुत से एरियाज हैं। इवन मालदीव जैसा कंट्री परेशान हो गया कि यार ये क्या, इंडिया तो अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं दूसरा आपको पॉइंट बताऊं, तो हमारे जो पंजाब साइड का देखा जाए तो मैं बेसिकली डेरा गाजी खान से हूँ, तो हमारा एक फोर्ट मंडू है। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो फोर्ट मंडू में टेम्परेचर आपको लगेगा ही नहीं भाई, आप मरी में बैठे हुए हैं। लाइक आपको अभी आप नेट पे सर्च करें तो आपको ना वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उसमें अभी रिसेंटली मतलब कि बर्फबारी भी स्टार्ट होने जा रही है फोर्ट मन्नू में, तो पंजाब का एरिया है। मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं पंजाब में रहता हूँ और मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूँ, कहीं ना कहीं मीडिया से तल्लुक है, मुझे नहीं पता कि पंजाब में ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फबारी होती है। और ये देखें, ये हमारी गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो कहाँ पे लक्षद्वीप को जाके अपने आईलैंड को जाके प्रमोट कर रहे हैं, मालदीव को टक्कर दे रहे हैं, मालदीव सॉरी कर रहा है प्रॉपर, और हम जो उनसे अपने पंजाब को नहीं प्रमोट कर रहे। मजे की मैं बात बताऊं आपको, पंजाब में 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक हुकूमत ने देखा ही नहीं है। फोर्ट मंडू तो चलो लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, बट मैं आपको एक और पॉइंट्स बताता हूं। कोई सलमान का एक पॉइंट है मर्जीगर के नाम से, उसमें अभी भी रिसेंटली वहाँ पे स्नोफॉल हुई है और वहाँ पे जो वहाँ के मकामी लोग हैं, हम लोग मतलब के हाइक करके वहाँ पे जाते हैं, 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन वो ऐसा पॉइंट है पंजाब का मेन, और वो पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद को टच करता है, उसको पंजाब से भी रास्ता जाता है बलूचिस्तान से भी, बट वो जो रास्ता है ना वो सिर्फ आप हाइकिंग के जरिए जा सकते हैं। अच्छा, इन इश्यूज के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर बात क्यों नहीं की जाती, क्या वजह है कि मतलब इंडिया में और हमारे में टूरिज्म के हवाले से, बाकी चीजों को तो हम डिस्कस ही नहीं ना आज करते, टूरिज्म के हवाले से फर्क क्या है उनकी सोच को? सीधा बताऊं, जो इंडिया है ना वो हमारे हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में और टूरिज्म में थोड़ा तो फर्क है ना? बहुत फर्क है, बट ये है कि हम लोग जो है ना उस हिसाब से टूरिज्म को प्रमोट ही नहीं कर रहे। हम लोग टूरिज्म को मतलब के उस हिसाब से लेते नहीं है भाई, हम लोग छुट्टियों में जाते हैं बस जी टूरिज्म करके आगे, वो कम पॉइंट्स मतलब कम दिन होते हैं, आ जाके मरी जाते हैं।
मर ही जाते हैं। 2 से 3 दिन लगाया के बाद वहाँ पे देखा भाई कुछ भी नहीं है, इतना बस वापस आ गए, वो बंदे का दिल उधर ही भर जाता है। भाई आप जो है ना चेयर जो आपके पॉइंट्स हैं आप वहाँ पे चेयर लिफ्ट लगाओ, लोगों को सहूलियात दो, लोगों को बताओ, इंटरनेट की सर्विस दो। आपने जो कश्मीर की वीडियो देखी उस वीडियो में क्या था मुझे बताएं, मतलब आपको कैसा लगा कि भाई इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट। उस वीडियो में मैं एक लेक देख रहा था, उस लेक में ना एक बंदा था वो फ्रूट चाट बेच रहा था और वो जो है ना 100 रुपीज की फ्रूट चाट बेच रहा था और 100 रुपीज मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी रुपीज में 200 रुपए होंगे, बट वो इतनी अच्छी फ्रूट चाट और उसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी कि वो इस हिसाब से बेच रहा था। हम लोग मैं तो समझ नहीं पा रहा कि भाई ये कश्मीर का बंदा है, इंडिया साइड कश्मीर का बंदा, और वो था भी मुस्लिम। और दूसरी मैं वीडियो देख रहा था, उसने ना एक कश्ती पे ही जो है ना वो पूरा होटल बनाया हुआ था, और मतलब मजे की बात देखो कि बंदा होटल में बैठा और कश्ती में आपकी मतलब कि आप कश्ती में बैठे हुए हैं। तो ये जो फिर हमें कंसेप्ट दिया जाता है जी जुलम जुलम परेशानी, और ये कोई जुलम नहीं है भाई। मेरा एक दोस्त है वो मुझे बता रहा था कि भाई कश्मीर में आप जाए ना जो मतलब कि मेन कश्मीर है जहाँ से आपको श्रीनगर जहाँ से आपको इंडिया नजर आता है वहाँ पे लोग पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं भाई, वो लोग खुश हैं, लेकिन हमें जो इमेज बताया जा रहा है ना वो डिफरेंट है। क्या आपको लगता है ऐसे बेहतरी हो सकती है? अभी आपने एक पॉइंट बोला है इंडिया वालों की तरफ से, आपके कुछ जो लोग हाँ जो इंडिया की तरफ से, सबसे पहले तो इंडिया वाले भाई आप लोग जो है ना हमारे भाई हैं, और आप लोगों को मे भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है, हमें भी बहुत गलत इमेज दिखाया जाता है, लेकिन अब हमें शऊर आ रहा है कि भाई वो गलत इमेज जो था ना वो बहुत गलत था जो दिखाया जा रहा है। ये बताया जाता है जी मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहाँ का मुसलमान अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बेड़ा घर किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है, सीधी सी बात है। उन्होंने हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, हमें गलत मुशारती अलूम पढ़ाई गई है, मुतैला पाकिस्तान हमें कंसर्ट आ गया है, सीधी सी बात है। जो अबे हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। और अभी भी अगर वाकई में हमें समझ आ जाए तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम इसे आगे लेके जा सकते हैं, डेवलपमेंट की काम बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे माइंड में ये होगा कि वो दुश्मन है ये दुश्मन है, जब तक माइंड में ये चीज़ें होंगी तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी है। देखिए हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है कि भाई आप काफिर को काफिर ना कहें, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे तो सर तन से जुदा हमें लगाए यही जा रहा है कि भाई आप लगे इसी के पीछे कि भाई सर तन से जुदा, या फिर इंडिया वाले आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमारे मीर में जुल्म हो गया मुसलमान। अरे छोटे छोटे बच्चों को यही बताया जाता है कि भाई वो लोग जो है ना बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, वो लोग कोई जुल्म नहीं करते, वहाँ के मुसलमान हमसे भी बहुत अच्छे हैं, वो बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस में भी अच्छा जो है ना वो दिया जाता है उनको। देखें इश्यूज वहाँ पे होंगे मैं ओपनली कहता हूँ, लेकिन क्या जितने इश्यूज वहाँ पे हैं हिंदू मुस्लिम सिख रह के, क्या इतने इश्यूज इससे ज्यादा इश्यूज पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम रह के नहीं है? यहाँ पे लड़ाई, यहाँ पे कत्ल, यहाँ पे आपस में फसाद नहीं होता, यहाँ पे तो हम शिया सुन्नी, यहाँ पे तो वहाबी सुन्नी, और ये लड़ाइयाँ चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है, अब देख लें कल ही एक सुन्नी उलमा का कत्ल हुआ है जिसका एक इमेज पड़ता है अहले सुन्नत को कि भाई ये लेकिन ऐसा हमको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी पाकिस्तान की सोच रखनी चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करनी चाहिए। कंट्रीज के हवाले से अगर हम बात करें, मैं आपको कंट्रीज का एक एग्जांपल देता हूं जो मतलब के कुछ कंट्रीज हैं जिसमें मालदीव्स आ गया, जिसमें स्विट्जरलैंड आ गया, ये मेन जो सबको पता है ये टूरिज्म पे, ये लोग चल ही टूरिज्म पे रहे हैं। इनकी टूरिज्म आप देखें ना, ऐसी टूरिज्म है ना कि वहाँ के मतलब के आप किसी वहाँ के कोई चीज आपको गंदी नहीं नजर आएगी। लेकिन आपने मालदीव की बात की, मालदीव अब परेशान हो चुका है इंडिया के टूरिज्म को लेकर, क्योंकि 5 लाख 10 लाख के करीब टूरिस्ट जो हर साल जाते थे इंडिया से मालदीव, अब वो कह रहे हैं कि हम अपने कंट्री में जाएंगे टूरिस्ट के हवाले से। बायकॉट मालदीव चल रहा है वहाँ पे, मैं भी चल रहा हूँ, बट मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि इंडिया अपने टूरिज्म को बहुत अच्छा कर रहा है, उनसे हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए और हमें अपनी टूरिज्म को बहुत आगे जो है ना पहुँचाना लेके जाना चाहिए। और मैं मतलब कि मैं ये अज़म करता हूँ, मैं मतलब अब एक पाकिस्तानी मैं एज अ यूथ जो है ना अपनी टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ और करना चाहिए भी। ये देखें ऐसी सोच जब होगी डेफिनेटली पाकिस्तान आगे जाएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ। आपका नाम सर? ज़हीर अब्बास। क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर। और आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, अच्छा। आजकल इंजीनियर वैसे हमें बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, इंजीनियरिंग का स्कोप है इस टाइम पाकिस्तान में आपके ख्याल से? पाकिस्तान में तो आजकल आपको पता है हालात किस तरह के हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का आप देख लें स्कोप उस तरीके से नहीं है। ठीक हो गया।
अच्छा सर, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के हवाले से भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है और ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, अगर हम टूरिज्म पे वर्क करें, ये एक ऐसी फील्ड है, ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हम बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है। जो लोग बाहर बैठे हुए ये सोचते हैं ना कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वो गलत सोचते हैं। पाकिस्तान में ऐसे ऐसी अल्लाह ताला ने कुदरत दी हुई है कि जो हम देखें तो जन्नत हमें नजर आएगी। सर, मैं कश्मीर की तरफ ही आ जाता हूँ। जन्नत का आपने जिक्र किया कि हम यही कहते हैं ना, जन्नत है दुनिया में कश्मीर। हम उस जन्नत के साथ मतलब क्या, जन्नत से क्या फायदा उठा रहे हैं, फायदा ले रहे हैं? या जन्नत में तो एक कंसेप्ट हमें जो बताया जाता है कि भाई रिलैक्सेशन और एंजॉयमेंट। हमेशा दुनिया के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ साथ चलते हैं। हमें दुनिया से नहीं देखना, हमने अपने आप को देखना। जिस इंसान ने अपने आप को ठीक कर लिया, उसने समझो पूरी दुनिया की कायनात हासिल कर ली। ठीक है। और अगर वो जन्नत लोग कहते हैं ना, तो है जन्नत तो कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ है, लेकिन देखें ये एक साइड हमारा कश्मीर है, दूसरी साइड इंडिया साइड जो कश्मीर है वो अभी इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे क्या दिखा रहा है, टूरिस्ट जा रहे हैं। फ्रांस का मीडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर इस टाइम सेफ है टूरिज्म के हवाले से। और ये मैं अपनी, चाहे देखने वालों को या आपको कुछ बात बुरी लगे, मैं गारंटी से कहता हूँ उधर डेवलपमेंट हमारे यहाँ से ज्यादा हो रही है। आप सोशल मीडिया इंटरनेट पे जाके देख लें। लोगों को सवाए बातों करने के अलावा पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान के